हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के बारे में। हाँ दोस्तों, जूनियर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुशी का दिन है जो बिहार के मैट्रिक और इंटर में किसी एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल के 2,18,890 विद्यार्थियों को ग्रेस अंक देकर पास किया है। ये छात्र एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए थे। बोर्ड की ओर से ग्रेस अंक देने से इंटर के 97,474 और मैट्रिक के 1,21,316 परीक्षार्थियों को फायदा हुआ। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि कंपार्टमेंटल परीक्षा कोविड-19 के कारण अभी संभव नहीं हो पा रही है। अगर 2-3 महीने बाद कंपार्टमेंटल परीक्षा ली जाएगी तो रिजल्ट अक्टूबर तक आ पाएगा। इससे छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। इस कारण मैट्रिक और इंटर में से ऐसे छात्र जो एक या दो विषयों में फेल हो गए थे उन्हें अतिरिक्त ग्रेस अंक देकर पास किया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की घोषणा के बाद बिहार बोर्ड ने ऐसे छात्रों का रिजल्ट तैयार कर लिया है। बिहार बोर्ड की वेबसाइट results.biharboardonline.com पर शनिवार को डाला जाएगा। इसके बाद छात्र रिजल्ट देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री की घोषणा के समय अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद थे। तो दोस्तों, आज शाम 5 बजे आप लोग का रिजल्ट बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, तो आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आते ही आपको मैं इसकी जानकारी दूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।